हर तीन में से एक बंदा चाहता है बीजेपी वापस आए, दो बंदे चाहते हैं कि बीजेपी वापस ना आए। ना कि झूठ, जितनी देर में सच जूते पहनता है उतनी देर में तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। आप आज रेलवे में वैकेंसी निकाल के देखो, 1000 वैकेंसी निकालोगे 1,00,000 से ऊपर फॉर्म भरते हैं। मोदी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं करे ताकि बेरोजगारी ना बढ़ जाए, संविधान माना जाता है, ये उसे कुचलने की तैयारी में है। और ये अपना नया संविधान लेके उसके है, जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे राहुल। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी मौज लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी जी मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं और काम करेंगे, 10 साल में बहुत सारे काम किए, क्या बोलेंगे इस पर? सही कह रहे हैं जी कि मौज लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, 8,500 करोड़ के प्लेन में उड़ते हैं, मौज थोड़ी लेते हैं वो, दिन में 6 बार कपड़े बदलते हैं, उसे मौज लेना थोड़ी कहते हैं। सीधी सी बात है, काम काज आपको करते हैं पूरे 10 साल में, कहते हैं बार बार कि मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, उसके बावजूद भी बैठ के वो लक्षद्वीप में छुट्टियाँ मना रहे होते हैं, फिर कहते हैं मैंने छुट्टी थोड़ी ली है, उसे मौज लेना थोड़ी कहते हैं। जगह जगह विदेशों में घूमने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो आता है लेकिन घूम के पूरा आ जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ का खर्चा करके आ जाते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं मौज थोड़ी ले रहा हूँ मैं, इसे मौज लेना थोड़ी कहते हैं। एक और बोल रहे हैं चुनावी बॉन्ड पर, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं पछताएंगे लोग, जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रही है वो पछताएंगे चुनावी बॉन्ड को लेकर। हाँ जी वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल गई है, अब उनके सामने सारे खुलते चले जा रहे हैं, अब उन्हें दिख रहा है कि अभी से उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि अगर मेरी सरकार आ गई वापस तो मैं तुम्हारे को सबको लपेट दूंगा, पछताएंगे, सीधी डायरेक्ट वे में धमकी है उनकी। क्रेडिट तो वही ले रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं ना कि जैसे चुनावी बॉन्ड मैंने लाया उसी तरह से नाम पता चले किसको कितना चंदा मिला, मेरी वजह से ही सारा काम हुआ है। बिल्कुल चोरी करी सब काम करे, जब चोर की खुल गई तो साहब मैं तो सरकारी वादा माफ गवाह बन गया, देखो मैंने सबसे पहले बताया था। आपने आने का ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि चोर जो होता है खुद ही साथ साथ, और कहीं अखबारों में अक्सर आता है कि बच्चा किडनैप कर लिया, जिसने किडनैप करा वही पुलिस वालों के साथ साथ मिलता घूमता हुआ दिखा रहा है, और देखो साहब मैंने बताया था। आज जब उनकी हर तरफ से चारों खाने चित्त हो चुके हैं तो क्रेडिट लेने के चक्कर में वो कह रहे हैं ये तो मैं ही लाया था। भाई साहब आप लाए थे तो 2017-18 में आए थे, 18 से 24 आगे 6 साल में आपने क्यों नहीं एक बार भी खोला? अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो आपने खोल दिया, अब आप कह रहे हो कि मैं लाया था इसलिए पारदर्शी था, उससे पहले क्यों पारदर्शी नहीं था? अगर आपको ये लगता था कि इसी से बात खुल सकती तो आपने हर साल ब्यौरा क्यों नहीं रखा, हर साल डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं करी? अगर आपकी नियत में खोट नहीं था, आप कहते हो कि ये बात बिल्कुल सही थी, तो आपने हर साल ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं करा कि इस बार इलेक्ट्रल बॉन्ड इतने बिके हैं, इस पार्टी को इतने गए, मेरी पार्टी को इतने मिले और टीएमसी को इतने मिले, कांग्रेस को इतने मिले? नहीं खोली ना, क्योंकि उन्हें पता था। और उनके प्रचरण में उनके उसमें सानिध्य में सबसे बड़ी बात, SBI ने कितनी कोशिश करी साहब 30 जून तक का टाइम दे दो, 30 जून का टाइम क्यों दे दें? क्योंकि 4 जून को चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद दोबारा अगर इनकी सरकार बन गई, एक बार फिर से मोदी गवर्नमेंट बन गई, तो उसके बाद कुछ अता पता नहीं होगा, फिर कौन से इलेक्ट्रल बॉन्ड और कौन क्या खत्म, चुनाव तो हो ही गए, मामला खत्म हो जाता। हर बार 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 छुपाया गया इस मामले को, लेकिन अब जब पोल पट्टी खुल गई है तो नहीं मैं तो जानबूझ के कह रहा था ताकि बात खुल जाए। किसान बात बोल रहे हैं मोदी जी की, इस देश में सिर्फ मोदी जी की गारंटी चलेगी, सिर्फ मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी मोदी जी की गारंटी चलती है, जब आपको विपक्षियों के ऊपर रेट डालनी हो तो मोदी जी की गारंटी बिल्कुल कंफर्म है, कोई भी विपक्षी है उसके ऊपर रेट डालनी है मोदी जी की गारंटी चलेगी, और इमीडिएट अगर उसने आगे बीजेपी ज्वाइन कर ली तो 100% मोदी जी की गारंटी है कि उसका मामला वहीं का वहीं बंद हो जाएगा, ना वो सजा पाएगा ना उसे कोई और दिक्कत आएगी। ED, IT, CBI तीनों आजकल बहुत फेमस हैं, तीनों के छापे वहीं के वहीं रुक जाएंगे, वहीं के बंद हो जाएंगे। जैसे आपने भी पीछे देखा, सिर्फ एक हेमंत बिस्वा सरमा का जो है मामला वो अभी क्लोज नहीं हुआ है, छगन भुजबल का वो क्लोज हो चुका है, उसके बाद अजीत पवार का वो क्लोज हो चुका है, और उसमें नारायण राणे था वो क्लोज हो चुका है, वो था अपना यशवंत चौहान महाराष्ट्र के, उनका लगभग क्लोजिंग पे है। तो सर मेरी पार्टी में आ जाओ, 100% गारंटी, अब तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई भी नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस सीधी सी बात है। तो बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कहाँ उन पर आरोप साबित हो, किस तरह से हम उन्हें जेल में डालें, जिस तरह से केजरीवाल पर साबित हुआ, कहाँ उन पर साबित हुआ? केजरीवाल साहब पे अभी कौन सा आरोप साबित हो गया? अभी आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने घोटाला करा है, घोटाले की 1 रुपया बरामद हुआ हो तो मुझे बताओ, मैं भी रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, रोज़ थोड़ी बहुत न्यूज़ में इधर उधर से कलेक्ट करता हूँ, 1 रुपये की भी बरामदगी हुई है आज तक, 100 करोड़ के घोटाले का उनके ऊपर आरोप है, 100 करोड़ में से 100 रुपये भी किसी भी जगह से कहीं से भी कोई बरामद हुए, आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं 100 करोड़ इन्होंने ले लिया, 45 करोड़ इन्होंने गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई आरोप तो कोई भी लगा देगा, आप साबित तो करो, आज का डिजिटल युग है, कहीं से लेन देन हुआ होगा, कहीं कोई एंट्री चढ़ी होगी, कहीं कहीं घटी होगी, कहीं किसी खाते में गया होगा, किसी खाते में आया होगा, किसी को कैश भुगतान करा हो गया, कहीं आप 4 रसीदें तो ला के दिखाओ, कोई भी नहीं है, सबूत है ही नहीं एक भी, मात्र आरोप हैं, और आरोप किसके बिना पे लगे हुए हैं, जो शरद चंद्र रेड्डी था, जिसने आज से 9 महीने पहले कहा था मैं तो जानता ही नहीं केजरीवाल कौन है, मुझे तो पता ही नहीं केजरीवाल कौन है, उसने बयान दिया 4.5 करोड़ रुपये का उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दे दिया, उसको 6 महीने बाद जमानत मिल गई, जमानत मिलते ही वो सरकारी वादा माफ गवाह बन गया, उसके बाद उसने 55 करोड़ का चंदा और दे दिया, आज वो मौज में है, केजरीवाल साहब जेल में है।
अगर आप बयान ले रहे हो, गवाह के बयान ही ले रहे हो, तो पहले उस गवाह ने क्या बयान दिए तो उन पर भी तो गौर करो। जब उसने नौ नौ बार ये बात बोली कि मैं तो जानता ही नहीं केजरीवाल कौन है, लेकिन दसवीं बार जब उसने आके बोला इमीडिएट कि हाँ केजरीवाल साहब को मैंने तो चंदा दिया था और ऐसे ऐसे बात हुई थी, मेरी तो इनकी डीलिंग हुई थी, आपने फौरन उस बात पर यकीन कर लिया। भाई साहब नौ ज़्यादा होते हैं एक ज़्यादा होता है, सीधी सी बात। सर सवाल उठ रहा है कि विपक्ष में कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं अभी पीएम कैंडिडेट के लिए। किसने कहा ये? ये तो चाणक्य साहब खुद मानते हैं। आपको दोबारा दिखाऊँ, एक बार मैं पहले शायद दिखा चुका हूँ आपको प्रूफ। राहुल गांधी जी हैं, चाणक्य साहब जो हैं इनके, अमित शाह, वो खुद मानते हैं कि जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे राहुल। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, ये पिछले एक साल पहले डिक्लेरेशन हो चुका है, तो आज की बात। चेहरा क्यों नहीं है दे रहे हो? ये चेहरा ही तो है, क्यों नहीं बोल रही है? इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए। वो तय है, बिल्कुल तय है, बोला हुआ है, ये रहा जनता तय करेगी, ये रहा अमित शाह जी का बयान है, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे है, जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे राहुल। सेहरा तो तय है, बार बार बोलने की जरूरत थोड़ी है कि मैं ही मैं हूँ। उन्हें कोई आदत थोड़ी है बोलने की कि नहीं मैं नहीं बोलना। जब आपकी अपोजिट पार्टी जो है वही तय कर चुकी है, उन्हें पता है कि कंपटीशन में कौन है, तो कन्फर्म हो चुका, गुंजाइश ही कहाँ बची। एक अभी एक मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है बीजेपी का, उसमें बहुत सारे वादे किए, क्या लगता है खरे उतरेगी बीजेपी? सारे वादे एक चीज़ें हैं, करेंगे 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 करेंगे, कर दिया है उसका कहीं भी किसी भी एक भी वादे का किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है कि ये हमने कर दिया। पिछला 2019 का इनका घोषणा पत्र उठा के देख लो, वहीं का वहीं है। 2014 का आप घोषणा पत्र उठा के देख लो, वहीं का वहीं है। गिनती की तीन चीज़ों को छोड़ के इनके बाद चौथा काम कोई नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करी थी राम मंदिर, 3 तलाक 370, ये तीन काम के बाद चौथा काम इनका बता दो जो इन्होंने कराओ। भाई साहब पेपर 100 नंबर का होता है, 100 में से आप 3 नंबर ला के पास थोड़ी हो सकते हो, बाकी 97 तो आपके गलत है ना। मोदी जी एक और दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार आ गए 2024 तो बड़े बड़े फैसले लेंगे। हाँ जी, ये बड़े बड़े फैसले साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि ये संविधान बदलने के मूड में हैं, जिसके लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, और ये अपनी मनुस्मृति जो है वो लेके आएंगे, संविधान को कुचल डालेंगे। जो हमारा संविधान, इतना बढ़िया संविधान, देश का संविधान हमारा पूरे विश्व में सबसे शानदार संविधान माना जाता है, ये उसे कुचलने की तैयारी में है, और ये अपना नया संविधान लेके आना चाहते हैं। मोदी जी तो रैलियों से कह रहे हैं ना कोई भी संविधान नहीं बदल सकता, बाबा साहब खुद आ जाएँ तो वो भी नहीं बदल सकते, इन्होंने कहा है ये। बिल्कुल इन्होंने कहा है, लेकिन साथ साथ फिर इनके सारे के सारे लोग ये 400 पार का नारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि संविधान को पूरा का पूरा तभी बदला जा सकता है पूरा का पूरा 2/3 बहुमत हो, तब। बार बार कहने इनके मोदी जी की कथनी और करनी में तो सैकड़ों फर्क हैं, कथनी कुछ होती है करनी कुछ होती है। दो साल पहले का बयान आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे सुबह 11:30 बजे के आसपास, महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान उनका हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोपहर को 1:30 बजे गुजरात हाईकोर्ट ने वहाँ के बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके 11 बलात्कारी जो 11 लोग थे उनको छोड़ दिया था। कथनी और करनी पता चल गई ना। जब ही हमारी पहलवान बहन बेटियां मेडल जीत के आई थी, 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, हमें अपनी बेटियों पर गर्व है, जब वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए खड़ी हुई तो आज तक उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके ऊपर आरोप है उसे जेल में नहीं भेजा गया। इनकी तो कथनी करनी में साफ साफ फर्क नजर आता है, कहते कुछ है करना इन्होंने कुछ और होता है। अभी एक बीजेपी के नेता निरहुआ, उन्होंने क्या बयान दिया सुनाया आपने, उस पर क्या बोलेंगे? कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ाने के कम करने के लिए हमारे मोदी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं करे ताकि बेरोजगारी ना बढ़ जाए। भाई साहब पहली बात तो वो बयान देकर खुद फंस गए, दूसरी बात उन्होंने बयान देने के थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि मामला गलत हो गया, उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। AI जनरेटेड बयान है ये, मेरी बात को इस्तेमाल करा गया, मेरी फोटो को इस्तेमाल करा गया, मेरे वीडियो को इस्तेमाल करा गया। शाम को उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली कि हाँ जी जो मैंने वो बोला गलत बोला। चलो मोटी मोटी बात हम मान लेते हैं कि मोदी जी ने बच्चे पैदा नहीं करे, योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं करे, दो दो बच्चे पैदा कर लेते, 4 होते, 3-3 कर लेते, 6 होते, क्या उन 6 लोगों की वजह से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? 140 करोड़ में 6 और जोड़ दोगे तो क्या उससे फर्क पड़ जाएगा बेरोजगारी पे? कि ये देखो इन 2 लोगों ने बच्चे पैदा नहीं करे इसलिए ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। अरे भैया तुम 6 बच्चों की चिंता छोड़ के 140 करोड़ का तो ध्यान करो, 140 करोड़ का तो ध्यान करो ना। उल्टे सीधे बयानबाजी पपेट ले लेके आ जाते हैं, ना इनके पास कैंडिडेट है ढंग के, ना कुछ हैं, सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना होता है, धर्म की अफीम चटानी होती है। एक एक कैंडिडेट आप इनका उठा के देख लो, किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को धेले की नॉलेज नहीं है, घमंड से भरपूर हैं सारे के सारे इनके कैंडिडेट। मथुरा से आती है हेमा मालिनी, हर 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर से उतरती है, खेतों में उतरेगी, हंसिया लेके चल देगी, 2 गेहूँ के 2 बंचे काटेगी और उसके बाद फोटो खिंचवाएगी, देखो जी मैं फसल काटने आ गई। और मथुरावासी कितने अकलमंद है, इसी इसकी एक फोटो भी खींच जाते हैं, हम तो हेमा मालिनी को वोट देंगे, हमारे खेतों में आके उसने गेहूँ काटे, ये नहीं देखा कि तुम्हारे गेहूँ नहीं काट के गई, वो अपनी 5 साल के लिए वोटों की फसल काट के चली गई है। हद करते हैं यार लोग भी हमारे, मैं क्या बोलूँ हम लोगों को भी। बीजेपी वाले लोग, कुछ लोग तो ये भी कहते कहाँ बेरोजगारी, जिस तरह से बेरोजगारी, लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। जी 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 मैं कहता हूँ जी, पेट तो हमारा कुत्ता भी भरता है, कहीं से भी इधर उधर मुंह मार के भी कुत्ता भर लेता है, तो क्या उसे पेट भरना माना जाएगा? बेरोजगारी की बात है, पेट तो हर कोई भरेगा, यहाँ से भरे वहाँ से भरे, किसी को कोई गुरुद्वारे जाके भरे, कोई अपने घर में, अगर 5 लोग हैं और एक ही बंदा कमा रहा है उसे पेट भरना, अगर वो 2 रोटी खा के अगर अपना पेट भर रहा है तो क्या उसे पेट भरना माना जाएगा?
नहीं माना जाएगा जब तक वो ढंग से एक रोटी ना खा सके प्रॉपर तरीके से, माना उसे जाता है। रोजगार में आपके घर में तीन लोग हैं पढ़े लिखे और तीनों लोगों को काम धंधा मिल गया तो उसे हम कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आपके तीन में से एक को भी काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी है ना। रही बात आप बेरोजगारी और भुखमरी की बात, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में करोगे यहाँ आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता मिल जाएगा। दिल्ली अकेला ऐसा शहर है जहाँ 20 रुपये में भी पेट भर के खाना खा सकते हो और आपको 20,000 रुपये भी कम पड़ेंगे पेट भरने के लिए। दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, दूसरे नंबर पे मुंबई आता है। लेकिन अगर आप यहाँ के लोगों को छोड़ के आप गाँव में देहातों में इंटीरियर में जाओगे वहाँ आपको पता चलेगा ना कैसे कैसे हालत बेहाल है। दिन में रोज़ 7-7 रुपये भी नहीं कमा पाते, 10-10 रुपये भी नहीं कमा पाते, कैसे वो लोग अपना पेट भरते हैं, कैसे कैसे मजदूरी करके क्या हालत उनकी होती है पेट भरने के लिए, कहाँ कहाँ वो धक्के खाते हैं तब जाके उनके काम चलते हैं। तो ये अगर आप टाटा बिरला अंबानी से पूछोगे बेरोजगारी है महंगाई है, वो कहेंगे कौन सी बेरोजगारी कैसी महंगाई कौन सा वो है, कुछ भी नहीं उन्हें, उनके लिए तो कुछ नहीं है। आप मेरे से पूछो जी महंगाई है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास अच्छा खासी कमाई है, मेरे घर में मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मेरा सब कुछ काम धंधा चल रहा है, मुझे महंगाई नहीं लगेगी। लेकिन वहीं एक रिक्शा चलाने वाला है जो मात्र 300-400 रुपये रोज़ कमाता है, उसमें 100 रुपये रोज का वो किराया भी दे देता है, आप उससे पूछोगे ना महंगाई तो उसको लगेगी ना महंगाई, तो सीधी सी बात। तो ये भी लग रही जिनको काम ही नहीं करना उनके लिए बेरोजगारी, काम तो बहुत है इस देश में। नहीं नहीं काम बहुत है देश में तो काम दो ना आप, ऐसा कौन है यार, ऐसा कोई बैठ के खाना नहीं चाहता। काम आप जिसको हाथ को काम दोगे वो काम बढ़ के काम करेगा। आज आप एक वैकेंसी निकालो यहाँ चांदनी चौक में, यहाँ पे बोर्ड लगा दो कि हाँ जी वैकेंसी खाली है, 15,000 रुपये महीना देंगे, 10 वैकेंसी खाली। आप देखो कल ही आपके ऑफिस में 10 को छोड़ो कम से कम 1,000 लोगों की लाइन लगी होगी, काम करने वाले पहुँचते हैं ना। पिछले साल आपको 3 महीने पहले जनवरी में पुणे में एक IT इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, 3,000 लोगों ने पहुँच गए थे वहाँ पे इंटरव्यू देने। उसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में आप देखो, 60,000 वैकेंसी निकली कॉन्स्टेबल की जिसका पेपर लीक हो गया था, फॉर्म कितने भरे गए 50 लाख। क्या लोग वो काम नहीं करना चाहते थे, 60,000 × 50 लाख बेरोजगारी है ना, तभी तो फॉर्म भरने पहुंचे। अगर उन्हें काम नहीं करना था तो फॉर्म भी नहीं भरते, बैठे रहते मौज लेते। आप आज रेलवे में वैकेंसी निकाल के देखो, 1,000 वैकेंसी निकालोगे 1 लाख से ऊपर फॉर्म पहुंच जाएंगे फॉरन ही, सिर्फ 1,000 वैकेंसी के लिए। और हर जगह यही रेशो है, एक वैकेंसी होती है तो कम से कम 500 बंदे फॉर्म भरने वाले होते हैं। आप कहते हो कि रोजगार करना नहीं चाहता, कौन नहीं करना चाहता भाई, हराम की खाना किसको अच्छा लगता है, हर कोई मेहनत से खा के कमा के इज्जत से खाना कमाना चाहता है, हर कोई कहीं ना कहीं से काम करता है। बड़ी पुरानी कहावत है खाली से बेगार भली, तो लोग उस चीज़ पे चलते हैं कि चलो यार बेगार ही सही लेकिन काम तो मिले। बाकी जिसने खाना ही है जिसको अलग बात है, जो भिखारी है कुछ भी है उसके जो आप मेंटेलिटी बदल ही नहीं सकते, लेकिन एक आत्मसम्मान से जीने वाला व्यक्ति काम करके ही खाना चाहता है। आखिरी सवाल है, कांग्रेस अगर आएगी तो किस मुद्दे पर वापसी करेगी? मुद्दा उन्होंने दे दिया सबसे पहला, उन्होंने आते ही बोला जी हम 30 लाख नौकरियां जनरेट करेंगे और 30 लाख ही जनरेट हो सकती हैं, जो हकीकत है बिल्कुल हकीकत है। मोदी जी की तरह 2 करोड़ जुमला का तो उन्होंने नहीं दिया ना, 2 करोड़ जनरेट हो सकती नौकरियां ना वो दी जा सकती, लेकिन उन्होंने तो जुमला उछाला था, लोग उसके झांसे में आ गए। सरकारी तौर पर PSU के तौर पर प्राइवेट सेक्टर में लगभग ऑन एन एवरेज 1 साल में 30 लाख नौकरियाँ निकलती, लेकिन अगर आप 1 साल में 30 लाख नौकरियाँ भी दे दोगे तो कम से कम 1.5 करोड़ लोगों के लिए फायदेमंद होगी। एक फैमिली में 5 भी लोग अगर आप मान के चलोगे तो नेचुरली अर्थव्यवस्था में गति बढ़ेगी ना। दूसरी बात, उन्होंने कहा महिलाओं की भागीदारी, हम 50% नौकरियां रिजर्व करेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं की भागीदारी उन्होंने सुरक्षित कर दी, जिस चीज़ पे उनकी न्याय यात्रा निकली थी, युवा किसान नारी श्रमिक और भागीदारी, पांचों चीज़ों का उन्होंने खाका तैयार कर दिया। युवाओं के लिए उन्होंने बोल दिया, युवा जैसे ही अपनी डिग्री या डिप्लोमा कन्फर्म करते हैं हम 1 साल तक उनको 1 लाख रुपये देंगे ताकि वो अपने आपको बेरोजगार महसूस ना करते, कहीं फार्म भरना है वो फार्म भर सकें, फीस जमा करनी है फीस जमा कर सकें, आने जाने का किराया भाड़ा सब बयान कर सकें, 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं से उनको नौकरी मिली जाएगी। महिलाओं के लिए उन्होंने दूसरी बात, महिलाओं की 50% हिस्सेदारी उन्होंने सुरक्षित कर दी। किसानों के लिए उन्होंने बोल ही दिया, हम सत्ता में आते हैं तो हम MSP की गारंटी देंगे ही देंगे, जिस जिस फसल पर आप MSP चाहते हो हम उसकी गारंटी देते ही देते हैं। सीधी सी बात है, न्याय यात्रा ये है कि जो धार्मिक आधार पर आज भेदभाव हो रहा है, जातिगत आधार पर आज भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को उन्होंने दूर करना है। सब एक और आरोप लग रहा है, इंडिया गठबंधन के एक नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कांग्रेस सीरियस नहीं है 2024 चुनाव को लेकर, वो 2029 की तैयारी कर रही है। नहीं, ये तो खैर छोटे मोटे बयान आते रहते हैं जी, ये आपके हर पार्टी में मिलेंगे। जब पार्टी कमज़ोर होती है तो कुछ लोग बड़ी कमज़ोर मानसिकता के होते हैं, दूसरी पार्टी उन्हें लड्डू डाल देती है, वो आ जाते हैं उनका दाना चुग लेते हैं और कोई भी बयानबाजी कर देते हैं। और ये तो बड़ी पुरानी राजनीति रही है कि विपक्ष वाले से किसी से बयान दिलवा दो और उसका पूरा पूरा बयान पूरे फुल पेज पे चला दो, देखो 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 उसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा उसने कहा, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आजकल आपने देखा होगा लोग बागों में ये सुनने को मिल रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि संजय सिंह जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा सुना होगा लोगों ने कहीं ना कहीं से। हाँ जी, तो क्यों फैलाया जा रहा है, ये क्यों फैलाया जा रहा है, ताकि आम आदमी पार्टी का जो कैडर है उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा करी जा सके। बड़ा पुराना है ना साम दाम दंड भेद, साम समझाओ दाम लगाओ दंड दो या भेद लो, तो भेद में आप मतभेद पैदा कर रहे हो तो लोगों का दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाएगा, भाई ऐसे कि नहीं ऐसे हो सकता है यार ऐसा होने वाला हो तो ये बंदा सही कह रहा हो हम इसकी बात मान लेते हैं, और लोग तो नेगेटिव की तरफ बड़ी तेज़ी से भागते हैं ना, पॉजिटिव तो बड़ी देर जब तक बैठा कहते हैं ना कि झूठ, जितनी देर में सच जूते पहनता है उतनी देर में तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है, वही वाली हालत आज की डेट में। वोट के लिए 2024 में मुद्दा क्या होगा इस बार? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की भागीदारी, ये सारे मुद्दे हैं।
इन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है। CSGS का अभी आपने सर्वे भी देखा होगा, उसमें भी 43% लोगों ने इसी बात को सबसे पहले तरजीह दी है कि बेरोजगारी और महंगाई को। CSGS के सर्वे में इनको क्या सीटें मिल रही हैं, इनकी ज़मीनी हालत ख़राब है बीजेपी की। हर 3 में से एक बंदा चाहता है बीजेपी वापस आए, 2 बंदे चाहते हैं कि बीजेपी वापस ना आए। CSGS का सर्वे है ये, जो हमारी एक लोकहित वो है सर्वे करने वाली एजेंसी, उसका सर्वे रोज अखबारों में देखोगे पब्लिश हो रहा है, उसमें यही बात क्लियर आया है, हर 3 में से 2 व्यक्ति चाहते हैं कि सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए। चलिए।